कि कब्ज की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमेशा के लिए दूर होगी। बेल का जो फल होता है, बेल पत्र जिसको बोलते हैं, जो शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है बेल का पत्ता, उसके फल को यदि आप कहीं मिल जाए तो उस फल को आप प्रतिदिन खाना शुरू कर दीजिए। कब्ज के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त मैं उपाय आज बता रहा हूँ, और 4 से 5 आसन मैं आपको बताऊँगा कॉन्स्टिपेशन के लिए। करना क्या है, सबसे पहले सुबह उठिए, सुबह उठ करके आप या तो ताज़ा या गुनगुना पानी पीजिए। 3 से 4 गिलास आपको ऐसे बैठ करके पानी पीना है। जिनके घुटने में दर्द रहता है वो चेयर पे या सोफे पे बैठ करके भी पी सकते हैं। ऐसे बैठ करके 2-3-4 गिलास पानी पीजिए, और उसके बाद अपने उसी जगह पर आप खड़े हो जाइए। इस तरह से खड़े होकर के सबसे पहले आपको ताड़ासन करना है। इंटरलॉक करो दोनों हाथ, सांस भर के ऊपर की ओर खींचो, पूरे शरीर को जितना आप ऊपर की ओर खींच सकते हो। इससे आपकी नींद भी भाग जाएगी और आपका जो पानी आपने पिया है वो आंतों में जाएगा। जब आप ऊपर की ओर स्ट्रेच करोगे तो इसको आप 5 सेकंड होल्ड करके या 10 सेकंड होल्ड करके अप डाउन आप करिए। इसे सांस भरिए ऊपर इस तरह से, इसको ताड़ासन बोलते हैं। इस आसन को आपको 10 से 15 बार करना है पानी पीने के बाद, फ्रेश होने से पहले। दूसरे आसन में अपने पैरों को आप ऐसे खोल लीजिए, इंटरलॉक करिए दोनों हाथ सांस भर के ऊपर और साइड में। अब आपका पानी ये साइड में भी जाएगा, छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों में ये पानी अपना प्रेशर बनाएगा, जो आपका मल है उसको नीचे पुश करेगा इस तरह से। इसको भी 10 से 20 बार तक। इसके बाद तीसरा आसन कटी चक्रासन, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। तीनों आसनों के ऊपर सांस को छोड़ते हुए पीछे, सांस भरिए आगे, सांस छोड़ करके पीछे, सांस भरिए आगे पीछे, ये इस तरह से। आप इसको भी 20 से 30 बार तक कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, जैसे आप किसी कपड़े को निचोड़ते हो, ऐसे कपड़े को जब निचोड़ते हो तो उससे क्या होता है कि पानी नीचे की ओर जाता है। तो हमने ये ट्विस्ट किया तो उससे प्रेशर लगेगा, धक्का लगेगा, तो वो पानी के माध्यम से वो आपका मल रेक्टम की ओर जाएगा। इसके बाद आप बैठ जाइए और बैठ करके इस तरह से एक आसन, लेफ्ट नी को राइट पैर पर, राइट को लेफ्ट पर इस तरह से टच कराइए। ये आसन आप सुबह उठ करके नियमित के अभ्यास में यदि आप करते हैं तो आपके कब्ज की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमेशा के लिए दूर होगी। आप करके देख लेना। और साथ ही साथ आप एक उपाय और करना, बेल का जो फल होता है, बेल पत्र जिसको बोलते हैं, जो शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है बेल का पत्ता, उसके फल को यदि आप कहीं मिल जाए तो उस फल को आप प्रतिदिन खाना शुरू कर दीजिए। दिन में किसी भी समय आधा फल आप खा लीजिए, देखिए पेट को वो धुल देगा, पेट को बिल्कुल साफ करेगा। इसके बाद यदि आपको फल नहीं मिलता तो 4 से 5 पत्ते सुबह सुबह उठ करके आप खाना शुरू कर दो खाली पेट, वो भी आपके पेट को साफ करने में बहुत लाभकारी होगा। ड्रैगन फ्रूट आप खा सकते हो, और ड्रैगन फ्रूट थोड़ा महंगा आता है तो उसकी जगह आप बेल का फल खाइए, या सुबह खाली पेट केला भी आप खा सकते हो, केले से भी आपका वजन, ये पेट साफ होता है। तो इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ एक टिप दे देता हूँ, जो पानी कम पीते हैं वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। जो लोग चबा चबा करके खाना नहीं खाते हैं, दांतों का काम हाथों से लेते हैं, वो भी सावधान हो जाएं, उनको भी खाना चबा चबा करके खाना है तो आपका पेट हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम।